आरा सदर अस्पताल के एनएम स्कूल में मेंटल हेल्थ ऑफ ए फाउंडेशन इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा एनएम की छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट के विषय पर संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये प्रोफेसर इन बिहेवियर साइंस में कई वर्षों से आईआईएम में पढ़ाते रहे हैं। इसके बाद भी विश्व की करीब करीब 56 देशों में कई यूनिवर्सिटीज में इनके डॉक्टर्स, पारा मेडिकल स्टाफ या एनी अदर कोई भी हम लोगों के मेडिकल प्रोफेशनल से जो लोग हैं उनका बिहेवियर पेशेंट्स के प्रति कैसा हो, इस समय आपत्तिजनक सिचुएशन आ जाता है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम लोग उसको टैकल नहीं कर पाते हैं, इस सब बारे में इनका काफ़ी रिसर्च रहा है। लोगों के भीतर किस किस तरह की डर है, डर के चलते वो अपने एग्जामिनेशन में कैसे अच्छा नहीं कर पाते हैं, जिसमें ईगो प्रॉब्लम था कि वो सीनियर है वैसे कि जूनियर ऐसे कि, तो ईगो कैसे ख़त्म हो, ये सारा डिपेंड करता है बिहेवियर साइंस पर। बिहेवियर बर्ताव ये एक अलग साइंस है जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, तो इनको हम लोग पहले यहाँ स्वागत करते हैं इस एनएम स्कूल में, अपने इस स्कूल के नोडल ऑफिसर की तरफ से, अपने स्कूल के प्राचार्य की तरफ से, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना हम लोग समय गवाएं उनको इस कार्यक्रम में आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज इस कार्यक्रम में उनका हम अभिवादन करते हैं। ये कुर्सी है और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मैं जो भी आपसे वार्तालाप करूँगा या आपसे गुफ्तगू करूँगा या आपसे इंटरेक्ट करूँगा उसके पहले ये मेरी आदत है, तकिया कलाम है कि मैं कुछ कहता हूँ और वो ये है भारत माता की जय। और एक दूसरी चीज़ जो मैं कहता हूँ सिर्फ मैं ही कहता हूँ, आजकल लोग सीखना शुरू कर दिए हैं, माताओं की जय। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की माताएं चाहे वो पढ़ी हों या रोड में लिट्टी बनाने वाला हो या जो भी हो, बड़ा छोटा मैं पैसे से नहीं मानता हूँ, बड़ा छोटा मैं दिल से होता है, हर इंसान की इच्छा होती है कि अपने बच्चों को कुछ बनाने, है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भारत की माताओं की जय। आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि मैं बाद में मिला, लेकिन एक चीज मुझे तेरा बहुत 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 अच्छा लगा और वो ये था कि इंडिया एक अकेला देश है, यदि गलती पे हो तो आप लोग माता कहता है, है ना, और वर्ल्ड में कहीं नहीं, मदर इंडिया, माई कंट्री मदर इंडिया, यह भारत माता सिर्फ हिंदुस्तान में कही जाती है। बगल में नेपाल है जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व से लेना देना नहीं है इसको, तो मेरी माँ ने 3-4 बातें कही, यही बात कही कि बेटा जो करोगे लौट के आकर भूख से मर जाना, दुख नहीं होगा, लेकिन लौट के आकर हिंदुस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला कर आओगे तो मेरे से ज्यादा दुखी कोई सिखलाती रही है। और आपको बता दूं मैं वर्ल्ड के बेस्ट पॉसिबल स्कूल्स में फॉरेन में पढ़ा, इंडिया में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा ऑल थ्रू, लेकिन जो मेरी माँ ने सिखलाया, जो मेरे माँ के व्यवहार से मैंने देखा, वो बहुत 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 ही अभी तक अंदर में है। एक बात और कही उसने, कहा कि देखो अपने में घमंड मत लाना, एक बात बेटा मुझे उन्होंने कहा याद रखना, मैं रांची में रिकॉर्ड किया, मैंने कहा कि देखो एक बात, दुनिया में घमंड से ज्यादा बुरा चीज कुछ नहीं है, चाहे वो एक इंसान हो, दुकानदार हो,
जिसने कभी भी कोई भी घमंड किया, लिख के रख लो, एक दिन निकल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि माँ ने मुझे बहुत कुछ कहा, ऐसे ही सभी की माँ कहती होगी, जो जितना चाहती होगी न कह पाती होगी तो दिल से फील करती होगी। इसलिए अभी एक एनएम के छात्राओं को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेंटोर के तौर पर आए हैं बाहर के, ये उनके बारे में कुछ बताया जाए। हाँ, ये मेंटल हेल्थ ऑफ फाउंडेशन इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनोद कुमार हैं, जो पूर्व में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कोलकाता के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट बिहेवियर साइंस भी रहे हुए हैं। और इन्होंने देश नहीं विदेश की करीब करीब 56 यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर दिए हैं। और मोटिवेशनल स्किल की बिहेवियर साइंस के एक अच्छे प्रोफेसर के नाते एक छोटा सा सेमिनार हम लोगों ने आयोजित करा दिया, जिसमें यहाँ की छात्राओं को विशेष रूप से ये जानकारी मिल सके कि उनका बिहेवियर मरीजों के प्रति कैसा हो, उनको पढ़ने में कई दिक्कतें आती हैं, वो अपने आप को अच्छा प्रूव कैसे कर सकें और जीवन में कैसे आगे बढ़ सकें, इन सब के बारे में उनके भीतर छुपे हुए स्किल को डेवलप करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इनको हमने यहाँ बुलाया था। तो आज उनका एक छोटा सा स्पीच और कार्यक्रम चल रहा है। क्या परिचय सर आपका? डॉक्टर प्रतीक, सदर अस्पताल आरा, नोडल ऑफिसर ANM स्कूल।